नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुछ इस मंच से सिखाया जा रहा है वो सभी आपको स्पष्ट होगा। बच्चों, आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो विषय हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा है। आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है विकास। प्रिय बच्चों, इस अध्याय के सीखने के प्रतिफल निम्नलिखित हैं: अर्थशास्त्र में विकास के संकेतकों की समझ, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, धारणीयता का विकास, इन सभी विषयों को जानना, प्रति व्यक्ति आय को विकास के संकेतक के रूप में इसकी विशेषताओं की समझ, विकास के आर्थिक और गैर आर्थिक संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण और धारणीयता के विकास के महत्व की समझ। सामान्यतः आपने विकास शब्द को अक्सर सुना होगा और यूं भी विकास जो है वो कुछ अन्य शब्दों से मेल खाता है, जैसे प्रगति। लेकिन विकास का विस्तृत रूप क्या है? विकास क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ इच्छाएं रखता है या कुछ आकांक्षाएं रखता है वो किस तरीके से पूर्ण कर भी पाता है या नहीं कर पाता? आज इस विषय में जब हम शुरुआत करेंगे तो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए विकास की परिभाषा समझेंगे कि किन व्यक्तियों के लिए विकास क्या मायने रखता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस व्यक्ति के लिए विकास के क्या मायने हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की। आखिर एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का क्या अर्थ है? एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या चाहता है? वो ज्यादा से ज्यादा काम हासिल करना चाहता है ताकि उसके काम करने के दिन बढ़ जाएं। बेहतर मजदूरी की उम्मीद रखता है। पास के स्कूल में उसके बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ये भी कहीं ना कहीं उसका एक लक्ष्य होता है। जबकि अगर हम पंजाब के एक अमीर किसान की बात करें तो उसके जीवन का लक्ष्य, उसके विकास का अर्थ कुछ और होता है। जैसे किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, उनको मजदूरी सस्ते दामों पर मिल जाए और उनके अपने बच्चे कहीं विदेशों में जाकर बस सकें। शहर में पलने वाली एक अमीर लड़की के लिए अगर विकास की बात करें तो वो क्या चाहती है? उसे अपने भाई के जैसे आजादी मिले, वो अपने फैसले खुद कर सके, विदेशों में जाकर पढ़ सके। इन तीन उदाहरणों से आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोगों के लिए विकास या प्रगति के विचार जो हैं, वो एक जैसे नहीं होते। इनमें से हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज पाना चाहता है। वो ऐसी चीज चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरी कर सकें, जो लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में निर्धारित किए हैं उन्हें भी प्राप्त कर सकें। कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह रहे होते हैं, ऐसी चीजों की उम्मीद कर रहे होते हैं, ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं जो आपस में परस्पर विरोधी होते हैं। अगर हम बात करें ऊपर दिए गए उदाहरणों की तो देखिए, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक लड़की अपने भाई की तरह आजादी और अवसर मिलने की चाह रखती है। भाई उसके घर के कामकाज में हाथ बटाए ऐसा वो आशा करती है, लेकिन हो सकता है कि उसके भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति कई बार नदियों के ऊपर बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन
वो उद्योगपति ये नहीं जानते कि बांध बनने से नदी के आसपास के जो इलाके हैं, उनमें रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। अक्सर आपने देखा है कि जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, बांध बनने से पहले इस तरीके के जो परियोजनाएं होती हैं, उनका विरोध करते हैं। बहुत इसकी सामान्य सी वजह होती है। क्या कई बार बांध टूटने की स्थिति में ऐसे क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न हो जाते हैं और आसपास के गांव बाढ़ में बह जाते हैं। तो देखिए, स्पष्ट हो जाता है कि एक उद्योगपति के लिए लक्ष्य बांध बनाना है और आसपास के ग्रामीण लोग जो है वो चाहते हैं कि बांध ना बने। वो अपने खेतों की सिंचाई भी छोटे मोटे तालाबों से करना पसंद कर लेते हैं। इससे दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है, वह दूसरे के लिए विकास ना हो, ये संभव है। यहाँ तक कि दूसरे के लिए पहले वाले व्यक्ति का विकास का जो लक्ष्य है, वो कभी कभी विनाशकारी भी हो सकता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज और उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अच्छी और ज्यादा आय लोग कमाना चाहते हैं। इसी तरह से आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वह भेदभाव से नाखुश होते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो विकास के लिए मायने रखते हैं। बच्चों, कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है। बच्चों, आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, अक्सर आपने देखा है कि जो तकनीक के क्षेत्र में नौकरी है, वो अक्सर उन शहरों में मिलती है जो तकनीकी तौर पर विकसित हो गए हैं, जैसे मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली या गुरुग्राम। जब बच्चों नौकरी जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में मिलती है, स्वीकार करने से पहले अक्सर व्यक्ति आय के अतिरिक्त भी बहुत सारे कारकों पर विचार करता है। आपके परिवार के लिए उस नौकरी से क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, आपको काम करने का कैसा वातावरण मिलेगा और इसमें आपको आगे बढ़ने का अर्थात सीखने का और क्या क्या उपाय मिलेगा, यानी आप अपने सामान्य ज्ञान उस क्षेत्र के ज्ञान में कैसे बढ़ोतरी कर पाएंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको कम वेतन मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। तो सामान्यतः लोग वो रोजगार अपनाते हैं जिसमें अगर नौकरी करने से कम वेतन भी मिल रहा हो, लेकिन सुरक्षा की भावना अधिक हो। सरकारी नौकरी इसका एक उदाहरण माना जाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाती है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को भी देखते हैं। बच्चों, ये सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं, अर्थात बाहर जाकर नौकरी करती हैं, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। और यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है, तो घर में उनके कामकाज में हाथ भी बटाया जा सकता है और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाता है। सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण के लिए ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरी या व्यवसाय को अपनाने लगी हैं।
इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी लक्ष्य मानकर चला जाता है। देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अर्थात अगर हम कुछ देशों के आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो उसको मापने का तरीका उस देश की आय होती है, क्योंकि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं को सभी वस्तुओं से अधिक होना। इसी के आधार पर विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित देशों का दर्जा दिया जाता है। देखिए, यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आर्थिक आधार पर हम देशों को तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश, जैसे अमेरिका, और विकासशील की श्रेणी में हमारा अपना भारतवर्ष। कुल आय के स्थान पर औसत आय के माध्यम से देशों की तुलना की जाती। तो चलिए अब हम औसत आय के बारे में पढ़ेंगे। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अर्थात किसी देश की औसत आय कितनी है, इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे और प्रति व्यक्ति आय का अंदाजा किस तरीके से लगाएंगे? विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 2006 में प्रकाशित हुई, भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय सन 2000 में केवल 28,000 प्रति वर्ष थी। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे आय का वितरण। वितरण शब्द का मतलब है कि क, ख, ग, अगर हम तीन लोगों की बात करें तो उनमें तीनों लोगों में आय की प्राप्ति कितनी हो रही है। अब देखिए एक तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे दो देशों की तुलना। दी गई तालिका में एक ही देश के पांच लोगों की आय दी गई है और फिर दूसरे देश के पांच नागरिकों की आय दी गई है। देश क में पहले नागरिक की जो आय है ये मासिक आय है। तालिका के ऊपर अंकित किया गया है मासिक आय रुपए में। तो पहले देश जो क हमने माना है उसमें पहले नागरिक की आय है 9,500 रुपए, फिर दूसरे नागरिक की 10,500, तीसरे नागरिक की 9,800, चौथे नागरिक की 10,000 और पांचवें नागरिक की 10,200। लेकिन जब हम ख देश की बात करते हैं तो उसमें चार व्यक्ति जो हैं वो एक जैसी यानी 500 रुपए की मासिक आय ले रहे हैं और पांचवा व्यक्ति 48,000 की आय प्राप्त कर रहा है। इस तालिका से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक देश में मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं और दूसरे देश में आय का वितरण बहुत असमान है, जहां चार लोग बहुत कम आय लेने वाले हैं। अर्थात चार लोगों का आय का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, यानी ये गरीब की श्रेणी में आ रहे हैं, और जो पांचवा व्यक्ति है वो बहुत अच्छी आय ले रहा है। लेकिन अगर दोनों देशों की हम औसत आय की बात करें तो वो बराबर है। दोनों देशों की जो औसत आय है वो 10,000 बन रही है। हमने औसत आय कैसे निकाली? पांचों व्यक्तियों की जो आय का कुल योग था उसको पांच से भाग दिया है। देश ख में भी हमने पांचों व्यक्तियों की जो मासिक आय थी रुपए में उसको पांच से भाग दिया। हमारी औसत आय दोनों देशों की बराबर आई,
लेकिन अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो क देश जो है वो विकसित होगा, क्योंकि वहां 5 लोगों के बीच में बटने वाली आय बराबर है, 5 के 5 व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा है। आइए अब प्रति व्यक्ति आय को हम भारत के जिस देश में हम रह रहे हैं उसके कुछ राज्यों की आय के माध्यम से समझें। इसमें हम 3 राज्यों का अध्ययन करेंगे, हरियाणा, केरल और बिहार। इस तालिका में हम वर्ष 2016 वर्ष 2017 के लिए प्रति व्यक्ति आय को हमने लिया है। हरियाणा में 1,80,174 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, केरल में 1,63,475 रुपए है और बिहार में यह आय मात्र 34,409 रुपए। ऊपर दी गई तालिका में हमें हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। ये आंकड़ा वर्ष 2016 वर्ष 2017 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से पता चलता है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, हम सिर्फ इस तालिका की बात कर रहे हैं अन्यथा नहीं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तालिका में सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम। इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपए कमाता है। बिहार में औसतन वही व्यक्ति केवल 34,409 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर हम विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं तो 3 राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए अब हम इन 3 राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्रिय बच्चों, यह जो तालिका आपको दिखाई दे रही है इसमें इन्हीं 3 राज्यों का शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात दिखाया गया है। प्रिय बच्चों, तालिका को समझने से पहले आइए इसमें प्रयुक्त हुए कुछ शब्दों को समझते हैं। पहला है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दिखाती है। निवल उपस्थिति अनुपात, 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत दिखाती है। प्रिय बच्चों, यह तालिका क्या दिखाती है, आइए समझते हैं। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1,000 जीवित बच्चे पैदा हुए, बच्चों में से 10 बच्चे एक वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, यह सोचिए कि वो सब लोग आपको देखकर कितना प्रसन्न होते हैं। प्रिय बच्चों, हमारे देश में कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है और हम विकसित राज्यों में उस राज्य को गिनते हैं जिसमें शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा कम होता है। आइए विकास को समझने के लिए उससे संबंधित सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ें। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया
वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जिंदगी के लिए आवश्यकता होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। नीचे दी गई सारणी में आप देखिए कि बीएमआई की स्थिति दिखाई गई है शरीर के मुताबिक। जब बीएमआई 18.5 से नीचे होता है तो वह सामान्यतः कम वजन की स्थिति होती है। 18.5 से 24.9 सामान्य स्थिति होती है। 25 से 29.9 सामान्य से अधिक वजन माना जाता है। 30 से 34.9 मोटापे की स्थिति आंकी जाती है और 35 से 39.9 अति मोटापे की स्थिति में आता है। प्रिय बच्चों, आइए अब हम मानव विकास रिपोर्ट से इसे और अच्छे से समझते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्वास्थ्य स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मानव सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। सन 2004 में भारत का HDI क्रमांक 126 और श्रीलंका का 93 था। विकास की धारणीयता, इससे अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना, इस निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। दूसरी, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। तीसरा, अति शोषण और अति उपयोग पर रोक। चौथा, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। और अंतिम, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद करना। वैकल्पिक संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, परंपरागत स्रोत जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बिजली, कोयला आदि। दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, जवारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि। प्रिय बच्चों, आइए अब नीचे दी गई सारणी के आधार पर हम विकसित और विकासशील देशों की तुलना करेंगे। इस सारणी से हमें यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से एक विकसित देश और एक विकासशील देश में फर्क होता है। सारणी में जो पहला आधार है उसमें हमने किसी देश के लिए उस आधार को अंकित किया है जिस आधार पर हमने देशों की तुलना की है। जहां तक परिभाषा की बात है तो वह देश जिनकी औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें विकसित देश कहा जाता है। जिन देशों में औद्योगिकीकरण की गति और प्रति व्यक्ति आय अधिक न हो उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। अगर स्थिति के आधार पर आंका जाए तो विकसित देश आत्मनिर्भर व समृद्ध होते हैं, जबकि विकासशील देश गरीब और अन्य देशों पर निर्भर होते हैं। संसाधनों के उपयोग की जब बात आती है तो विकसित देशों में इनका पूर्ण प्रयोग होता है और विकासशील देशों में अल्प प्रयोग होता है। साक्षरता का स्तर भी विकसित देशों में उच्च है जबकि विकासशील देशों में निम्न। विकास एवं समृद्धि के आधार पर विकसित देशों में उच्च प्रौद्योगिकी विकास होता है जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता
अधिक होती है। अब हम कुछ कमियों की बात करें तो विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी उच्च स्तर पर होती है, जबकि गरीबी और बेरोजगारी का आंकड़ा विकसित देशों में निम्न। अर्थव्यवस्था के योगदान की अगर बात करें तो विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा भागीदारीता दिखाता है और विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक होती है। आय के वितरण की अगर बात की जाए तो विकसित देशों में आय का वितरण समान होता है और विकासशील देशों में आय का वितरण असमान होता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विकसित देश उच्च श्रेणी में आते हैं और विकासशील देश निम्न श्रेणी में आते हैं। जहां तक सकल घरेलू उत्पाद की बात है तो विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद उच्च गति से होता है और विकासशील देशों में निम्न गति से होता है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अथवा इनमें से कोई नहीं? प्रिय बच्चों इसका सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रिय बच्चों इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चीन, भारत, अमेरिका, ये सभी? सही उत्तर है भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, 15 सितंबर 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? सही उत्तर है 15 मार्च 1950 को। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? सही उत्तर है विकसित। निम्नलिखित से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, झारखंड? बिहार। स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान या सेवा प्रधान? सही उत्तर है कृषि प्रधान। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है 3। रिक्त स्थान भरेंगे अर्थात हम देखेंगे कि कौन से रिक्त स्थान में क्या आएगा। पहला रिक्त स्थान है स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था खाली स्थान राज्य में बेहतर है। उत्तर होगा केरल राज्य में बेहतर है। दूसरा, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद खालिस्तान कहलाता है, ये कहलाता है GDP। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक खालिस्तान राज्य का है और इसका उत्तर होगा केरल राज्य का। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की गणना खालिस्तान संगठन के द्वारा की जाती है। उत्तर होगा UNDP के द्वारा। अगला प्रश्न, खालिस्तान में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो किसमें कम है? केरल में। अगर सही मिलान की बात करें, निम्न साक्षरता दर वाला राज्य बिहार होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत होगा, सकल घरेलू उत्पाद को हम
जीडीपी के नाम से जानते हैं, मृत्यु दर जो निम्न होती है वो केरल में सबसे कम हमने पढ़ी है। यूएनडीपी कहाँ का कार्यक्रम है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सभी ने इस प्रश्नोत्तरी का बहुत अच्छे से जवाब दिया। इसका अर्थ यह है कि आप सभी को जो विकास है वो किसी देश के लिए क्या मायने रखता है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या मायने रखता है और समाज के लिए क्या मायने रखता है, ये पता चल